देखिए इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन ऑफ आप स्लैब से रिलेटेड टोटल थर्टी एम सी कराऊँगा ये पहला पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है उसमें ट्वेंटी फाइव एम हैं और आर के बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए आप आर की प्ले को देख सकते हैं पहला सवाल इन केस ऑफ टू वे द लिमिटिंग डिफ्लैक्शन ऑफ द स्लैब इज़ प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ़ द लॉन्ग स्पान प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ द शॉर्ट स्पान तो इसका सही आंसर बी है देखिए आई एस फोर में जो 24.1 फोर क्लॉज है उसमें दो पॉइंट्स नोट्स के तौर पे दिए गए हैं जिनमें से पहला है फोर स्लैब्स स्पानिंग इन टू डायरेक्शंस द सॉल्टर ऑफ द टू स्पान्स शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है द इस्पान टू इफेक्टिव डेफ्थ रेशियो यही एक्चुअली लिविटिंग डिफ्लेक्शन है दूसरे शब्दों में इसको लिविटिंग डिफ्लेक्शन बोलते हैं तो इसके लिए क्या कोडल प्रोविज़न है कि जो इस्पान लेंगे वो शॉर्टर वाला लेंगे जो दोनों इस्पान होते हैं लॉन्गर और शॉर्टर उनमें से शॉर्टर वाला कंसिडर किया जाएगा तो उसी को थोड़ा शब्दों का हेर फेर है प्राइमरली फंक्शन ऑफ द शॉर्ट स्पान एज़ पर आई एस फोर फिफ्टी सिक्स टू थाउजेंड फॉर सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब्स ऑफ शॉर्टर स्पान अप टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर विद माइल्ड स्टील री इन्फोर्समेंट द स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशो जनरली अज्यूम्ड टू सैटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स फॉर लोडिंग क्लास अप टू थ्री किलोमीटर पर मीटर इस पर मीटर इज़ तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें आपको सिम्पली सपोर्टेड टू वे स्लैब के लिए स्पान टू ओवरऑल डेप्थ पूछा हुआ है और ये कुछ इसमें कंडीशन है तो ये देख सकते हैं जो पिक्चर मैंने आपको अभी दिखाई थी तो उस नोट्स में से जो दूसरा वाला है ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रखा है और इसका आसान भाषा में मतलब ये है देखिए ये जो है ये ये तो कुछ कंडीशन हो गई लेकिन सिंपल तौर पे ये है कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और टू वे टाइप की है ठीक है स्लैब या तो वन वे टाइप की हो सकती है या टू वे टाइप की हो सकती है जो हम जनरली पढ़ते हैं तो सिंपली सपोर्टेड में जब टू वे स्लैब होगी तो उस केस में स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो पैंतीस होना चाहिए इसी तरह से कंटिन्यूस स्लैब में फोर्टी होगा सेम टू वे स्लैब की बात हो रही है तो अब ये जो स्लैब हैं ये वन वे भी तो हो सकती हैं तो इनका वन वे का जो प्रोविजन है वो अलग है वो जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी अलग हैं तो उस पर आगे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने तो आपको वहाँ पे बता दूंगा इसी तरह से कैंटिलीवर स्लैब भी हो सकती है तो उसके लिए डेटा अलग है ठीक है फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए सिंपली सपोर्टेड स्लैब टू वे टाइप की होगी तो थर्टी फाइव होगा इस्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो और इसी तरह से कंटिन्यूस में फोर्टी होगा पर ये टू वे का केस है तो यहाँ पे थर्टी फाइव होगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड का पूछा हुआ है ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब्स टू रजिस्ट तो ड्रॉप्स क्या होते हैं देखिए फ्लैट स्लैब में ड्रॉप यूज होते हैं तो ये फ्लैट स्लैब है जो ऊपर आप देख रहे हैं और ये वाला जो पोर्शन है रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में ये ड्रॉप है तो ये ड्रॉप की यूज़ करते हैं ताकि जो छत पे या जो स्लैब है उस पर जो सेयर आ रहा है वो कम हो सके या नैगलेजिबल हो सके आप खुद सोचिए अगर कॉलम है सीधा और ये वाली चीज़ नहीं है जिसको हम ड्रॉप कह रहे हैं तो स्लैब पे सेयर ज़्यादा आएगा उसके कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि फिर वो पॉइंटेड हो जाएगा कॉलम का जो जो रिएक्शन लगाएगा कॉलम उस पर ऊपर पर ये वाली चीज़ होगी तो वो उसको कम कर लेगा एटलीस्ट ठीक है तो ये चीज़ जो है सब जगह की जाती है आप पिक्चर में देख सकते हैं हर जगह ये अवेलेबल है तो इन्हें कहते हैं हम ड्रॉप कई बार ड्रॉप पैनल भी बोल देते हैं तो ये शेयर को रजिस्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होती कौन सी है देखिए ये एक जनरल सा लेआउट है वन वे स्लैब मान लीजिए इसको तो इसमें जो बार्स नीचे हैं वो मेन बार होती हैं और इनकी लेंथ जनरली कम होती है तो जब बिछाया जाता है तो मेन बार को ऐसा बिछाया जाता है पहले और ये जनरली बड़ी होती हैं डाया में और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो ऊपर होती हैं इस तरह से और ये वाली लंबी भी होती हैं इनसे तो डाया में या तो दोनों बराबर होंगी या मेन बार का डाया ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन से ठीक है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार लोड को तो लेती ही हैं इसके अलावा टेम्परेचर स्ट्रेस और श्रिंकेज स्ट्रेस को भी लेती है तो ऑल ऑफ द अब टाइप का क्वेश्चन है ए सिंपली सपोर्टेड रेनफ़ोर्स्ड कंक्रीट बीम सेल बी ट्रीटेड एज डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव इस्पान टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन सिंपली सपोर्टेड रेनफ़ोर्स्ड कंक्रीट की बीम है इसको डीप बीम कब बोलेंगे जब इसका इस्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो जो है वो दो से कम होगा कहाँ से आया ये ये कोड से आया ट्वेंटी नाइन जो पॉइंट है वो पूरा डीप बीम पे है और इसका जो पॉइंट वन वाला है जनरल वाला इसमें लिखा हुआ है ए बीम सेल बी डीम्ड टू बी अ डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव इस्पान टू ओवरऑल डेप्थ यानी एल अपॉन डी ये लेस देन होना चाहिए टू से इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और लेस देन होना चाहिए टू पॉइंट फाइव से इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम ठीक है इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो तो टू हो जाएगा यहाँ पे If a two-way slab is found to be unsafe in सेयर which of the following would you recommend? तो क्या करेंगे अगर सेयर में फेल हो रही है कोई स्लैब हमारी देखिए इसके लिए क्या करते हैं स्लैब की थिकनेस को बढ़ा देते हैं अब उसके पीछे की वजह समझिए पहली बात तो ये है कि जो स्लैब होती हैं उनमें जो सेयर आता है वो वैसे ही बहुत कम आता है लगभग ना के बराबर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्लैब होती है जैसे ये मान लीजिए कोई स्लैब है तो स्लैब जो है हम ये मान के चलते हैं कि ये बहुत सारे बीम से बनी हुई है इनफैक्ट जब हम एक स्लैब को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें से एक टुकड़ा ले लेते हैं उसका जिसको हम बीम की तरह ट्रीट करते हैं और फिर बाकी उसमें मल्टीप्लाई करके उसको फिर एक स्लैब जैसा कंसिडर कर लेते हैं तो इसलिए स्लैब के जो डिज़ाइन स्टेप हैं वो बहुत सारे बीम से मेल खाते हैं इसी तरह से जो शेयर स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट है टाओ बराबर वी अपॉन बी डी तो इसमें जो वी बी और डी है ये इसकी विर्थ और डेप्थ है बीम की तो बीम कही है चाहे स्लैब कहिए अब स्लैब वाले केस में जो ये बी वाला पोर्शन है बी वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा होता है जैसे बीम का क्रॉस सेक्शन तो कुछ ऐसा होगा लेकिन स्लैब का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा चौड़ा सा काफ़ी जब हम काट के देखेंगे एक हिस्से को तो बी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऑलरेडी उसका टाव कम होता है इसीलिए सेयर स्ट्रेस फॉर स्लैब्स इज़ वेरी लो सिंस विर्थ इज़ लार्ज ये हो गई एक चीज अब अगर ब्रथ से काम ना चले ब्रिट्स तो ज़्यादा होती है तो शेयर तो वैसे ही कम होता है पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो विथ भी कम पड़ रही हो टाओ की वैल्यू तब भी ज़्यादा आ रही हो उस केस में हम डी को भी बढ़ा देंगे फिर जब बी से काम ना चले तो डी बढ़ा दो तो इन केस वर्थ इज़ नॉट सफिशियंट टू रजिस्ट स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस इज कंट्रोल्ड बाई इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ स्लैब तो यही है इस सवाल का कॉन्सेप्ट कि हम जो है थिकनेस को बढ़ा देंगे स्लैब की जिसको हम डेप्थ भी कह रहे हैं यहाँ पे द हॉर्जोंटल रीनफोस्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब स्पानिंग बिटवीन द सपोर्टिंग वॉल्स और बीम्स इज नोन एज हॉर्जोंटल रीन सीमेंट कंक्रीट स्लैब छत की तो बात हो रही है या तो वो दीवारों पे टिकी होगी या बीम्स पे अब दीवारों का तो समझ में आता है तो आपने दो तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे या तो लोड बेयरिंग होता है या फिर वो फ्रेम्ड टाइप का होता है तो जो ये बीम वाला कॉन्सेप्ट है ये फ्रेम वाला ही होता है जैसे बीम पे टिका हुआ है और बीम फिर कॉलम पे टिकी हुई है तब भी छत टिकी हुई है और नहीं तो दीवार बना दो और तब उसके बाद ऊपर कास्टिंग कर लो तब भी वो स्लैब उस पर टिकी हुई है तो आम भाषा में हम उसको छत बोल देते हैं ठीक है ए मेन री ऑफ एन आर सी स्लैब कंसिस्ट ऑफ टेन एम एम बार्स एट टेन सेंटीमीटर स्पेसिंग इफ इट इज डिजायर टू रिप्लेस टेन एम एम बार्स बाय ट्वेल्व एम एम बार्स देन द स्पेसिंग ऑफ ट्वेल्व एम एम बार्स शुड बी अब कोई स्लैब है उसमें पहले टेन एम एम बार यूज़ हो रही थी दस सेंटीमीटर स्पेसिंग पे ऐसा मान लीजिए कोई दस एम एम का बार था और ये कोई दस की स्पेसिंग थी भाई ठीक है और अब क्या किया हमने ये जो बार थी इसको बढ़ा दिया इसका डाया बढ़ा दिया बारह कर दिया दस का और अब वो हमसे स्पेसिंग पूछ रहा है तो ये थोड़ा सा डाया इसका बढ़ गया है अब तो डाया बढ़ने से क्या होता है कि स्पेसिंग कम हो जाती है सॉरी स्पेसिंग बढ़ जाती है ऐसा क्यों होता है देखिए जो इनका टोटल डाया है टोटल वेट है या टोटल वॉल्यूम कह लीजिए जिसको हम कैपिटल ए एस टी से दिखाते हैं वो नहीं बदलने वाला किसी भी हाल में आप अगर इसका ये जो दस एम एम का बार था इसको बारह एम एम का कर रहे हैं ठीक है लेकिन जो जो ए एस टी है वो कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसीलिए स्पेसिंग इस जो है बढ़ जाएगी पहले कम कम दूरी पे थे आप जो है थोड़ी ज़्यादा दूरी पे होंगे तो आंसर तो टेन एम एम से टेन सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही आएगा जो स्पेसिंग पहले थी अब इसको थोड़ा वैसे समझ लीजिए इसको ध्यान रखिए जो यहाँ पे बताया ए वाला ठीक है तो स्पेसिंग को जो हम निकालते हैं जनरली स्लैब के केस में वो निकालते हैं स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए जिसका मतलब यह है कि स्मॉल ए हो गया एक बार का क्रॉस सेक्शन और कैपिटल ए हो गया सारी बार का जितनी भी बार है वहाँ पर ठीक है तो एक को सबसे डिवाइड कर दो तो उनके बीच का गैप आ जाता है पर इसमें जो ए वाली चीज़ है वो कॉन्स्टेंट है तो उसको हम कांस्टेंट मान के प्रपोर्सन साइन में डाल देंगे तो या तो ऐसा कहिए कि जो स्पेसिंग है वो प्रोपोर्शनल है स्मॉल ए एस टी के और इस्मोल ए एस टी में भी जो पाई बाई फोर है वो कांस्टेंट है दोनों का भाई छोटी बार का एरिया निकालोगे तब भी पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर करोगे बड़ी बार का निकालोगे तब भी पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर करोगे तो डाया है जो मैटर कर रहा है इसलिए पाई वाई फोर को भी हटा दिया तो हम पहुँचे इस कंक्लूज़न पर कि स्पेसिंग जो है वो फाइव स्क्वायर के बराबर होगी इस पर्टिकुलर केस में जब ए एस टी कॉन्स्टेंट है तो एस वन अपॉन एस टू किसके बराबर होना चाहिए फाइव वन अपॉन्ट फाइव टू का स्क्वायर जब सौ स्पेसिंग थी तो दस का स्क्वायर जब एस टू स्पेसिंग होगी तो बारह का स्क्वायर तो ये सब आप जानते होंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा चौदह दशमलव चार सेंटीमीटर तो लगभग कितना हो गया साढ़े चौदह तो पहले ये बार थी पहले दस एम एम के गैप पे थी ये और जब हमने डाया बढ़ा दिया बार का तो अब ये लगभग साढ़े चौदह सेंटीमीटर के गैप पे आ गई हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा ए रीनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज़ सेवेंटी फाइव एम एम थिक द मैक्सिमम साइज ऑफ रिनफोर्स्ड रिनफोर्समेंट बार दैट कैन बी यूज इन तो ये कोडल प्रोविज़न है कि जो किसी भी स्लैब में जो हम बार यूज़ करेंगे मेन बार होगी जो जो सबसे ज़्यादा डाया की बार यूज़ होगी वो थिकनेस के वन एर्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस पर घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं दो तीन सवाल तो मैंने ही लगा रखे हैं इसमें आगे देखना आप तो वन एट्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एट्टी एम mm है सपोज स्लेब की थिकनेस जो छत की मोटाई होती है इसका वन एट्थ हो गया टेन एम mm, तो हम कुछ भी करके टेन एम mm से मोटी बार यूज़ नहीं कर सकते हैं उसमें मेन बार जो होगी वो दस एम की होगी mm हो हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन आप आठ की कर लीजिए और छोटी कर लीजिए पर बड़ी नहीं कर सकते तो जैसे यहाँ पे सेवेंटी फाइव दे रखा है तो उसका वन एर्ट आ गया नाइन पॉइंट थ्री सेवन अब ये नाइन पॉइंट थ्री सेवन एम एम से ज़्यादा की बार हम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इतने की तो कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन इतने की मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है तो कौन सी होती है या तो आठ एम एम की होती है या फिर सीधे दस एम एम की होती है दस एम एम की होती है तो जैसा कि ये कह रहा है कि वन एर्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 9.37 पॉइंट mm थ्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 9.38 भी नहीं होना चाहिए तो 10 एम mm एम कैसे हो सक, हो जाएगा फिर इसका मतलब हम कम की तरफ़ आएंगे 8 एम mm एम की यूज़ करेंगे इसीलिए ऑप्शन में 9 एम mm एम या ये 9.3 पॉइंट mm थ्री नहीं मिलेगा क्योंकि जो बाहर मार्केट में है ही नहीं वो वहाँ पर क्यों हो ऑप्शन में इसलिए एट एम mm एम इसका आंसर हो जाएगा ठीक है मैगजिम पे खेल रहा है वो कि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी द मिनिम रीनफोर्समेंट यूज इन ईदर डायरेक्शन ऑफ द स्लैब सेल नॉट बी डैस ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर एफ ई टू फिफ्टी ग्रेड स्टील तो इसके लिए भी कोडल प्रोविजन है कि अगर माइल्ड स्टील बार है तो कितना परसेंट होना चाहिए मिनिमम और एच वाई एच डी तो कितना होना चाहिए तो देखिए मिनिमम की बात हो रही है मिनिमम का मतलब होता है कम से कम इतना तो रखना ही रखना है तो एच वाई एच डी के लिए याद रखिएगा जीरो पॉइंट वन टू परसेंट है जीरो पॉइंट वन टू परसेंट ऑफ बी डी का मतलब है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन टू ये बारह परसेंट नहीं है ये जीरो पॉइंट वन टू परसेंट है यानी इतना है और माइल्ड स्टील के लिए ये पंद्रह हो जाएगा पंद्रह का मतलब आप समझ रहे हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सेल नॉट बी तो लेस देन आना चाहिए यहाँ पे इससे कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिनिमम की बात हो रही है अब इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि एक ऑप्शन तो चलिए बी में यही है जो आपको दिख ही रहा है ये वाला ठीक है सी में हो सकता है ऐसा ऑप्शन होता ये वाला तब कौन सा करते तब कन्फ्यूजन होती तो ये वाला गलत हो जाता सेल नॉट बी लेस देन जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट क्योंकि मिनिमम है तो इससे कम नहीं होना चाहिए तो ये सही होता ये गलत होता ठीक है द मिनिमम कवर फॉर बार्स इन आर सी सी स्लैब शुड बी तो कवर की बात हो रही है स्लैब में तो अब देखिए जनरली आपने देखा होगा ये जो तीन चार चीज़ें हैं बीम हो गई स्लैब हो गई कॉलम हो गया फुटिंग हो गया इनका जो नॉमिनल कवर होता है उसका एक डेटा आता है सीधा सीधा जैसे बीम के लिए बोल देते हैं पच्चीस एम mm, एम स्लेब के लिए बीस कॉलम के लिए पचास और सॉरी कॉलम के लिए चालीस और फुटिंग के लिए पचास ये जो जनरली लिया जाता है मतलब जो फेर बदल होंगे वो इसी को आधार मान के होंगे तो जो स्लैब का है ट्वेंटी एम एम ये होता तो ट्वेंटी है पर तब होता है जब हम जो बार यूज़ कर रहे हो बारह एम से ज़्यादा की हो ध्यान से देखिए अगर बारह एम mm से कम की बार यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम चाहें तो इतना ही कवर लें और चाहें तो पाँच एम mm कम कर लें इस चीज़ को फिर से सुन लीजिए स्लैब के लिए जो नॉमिनल कवर है वो है ट्वेंटी एम mm, जनरली पर अगर यूज़ होने वाली बार ट्वेल्व एम mm से कम है तो उस केस में हम चाहें तो पाँच एम एम कम कर सकते हैं यानी पंद्रह एम एम ले सकते हैं कवर को तो इसी को आधार मानते हुए जो क्वेश्चन है वो ये बना हुआ है तो फिफ्टीन एम एम वाला आंसर सही होगा पर साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो बार सॉरी अब मैं उसमें बता रहा हूँ कंप्लीट में तो पंद्रह एम एम ले सकते हैं ट्वेल्व से कम के लिए और इन केस जो अब जैसे मान लीजिए सोलह एम एम की बार यूज़ हो रही है तो उस केस में नहीं ले सकते पंद्रह उसमें आपको या तो वो बीस वाला ही लेना पड़ेगा या फिर ये प्रोविजन है कि डाया और बार ले लीजिए तो पंद्रह एम एम तब है जब बारह एमएम mm से कम की बार यूज हो रही है अगर बार का खुद का ही डाया सोलह एमएम है तो फिर सोलह का स्पेसिंग कर लीजिए फिर कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द स्टील बार रिक्वायर्ड फॉर अ स्लैब ऑफ थ्री बाई टू मीटर इफ द स्लैब इज री विद सिक्सटीन मीटर सिक्सटीन एम एम डाया मीटर बार्स एट टू फिफ्टी एम एम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इन लॉन्गीट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन देखिए बहुत अच्छा सवाल है थोड़ा कैलकुलेटिव है तो जाहिर सी बात है ये ऐसे एग्ज़ाम में आया होगा जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ रहा होगा ये कोई स्लैब है थ्री बाई टू मीटर की और इसमें लॉन्गीट्यूडनल और ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट है इस कुछ इस तरह से बाकी जो इनकी स्पेसिंग है वो दोनों डायरेक्शन में सेम ही है ढाई ढाई सौ एम एम की स्पेसिंग पे हैं दोनों डायरेक्शन में ठीक है और जो बार यूज़ हो रही हैं वो सोलह एम एम की हैं मेन वाली भी और लॉन्गिट्यूड वाली भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी तो हमको बताना है कि जो टोटल सरिया यूज़ हो रहा है उसका वेट कितना होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो सरिया यूज़ हो रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं अगर हमें सरिया का वॉल्यूम मालूम चल जाए मीटर क्यूब में मान लीजिए एक्स मीटर क्यूब आ गया इन सभी सरिया का वॉल्यूम तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अठहत्तर सौ पचास की क्योंकि ये क्या होता है ये इसका डेंसिटी होता है तो मीटर क्यूब में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो फिर इसका वेट अपने आप ही के में आ जाएगा जो कि हमें बताना भी है के में ठीक है तो आप देखिए सॉल्यूशन इसका ये छत थी एक स्लैब थी थ्री बाई टू मीटर की और इसमें कुछ ऐसे इस तरह से बार्स थी लॉन्गीट्यूडल और ट्रांसफर्स में अब जरा इस चीज़ को समझिए कि जो लॉन्गीट्यूडनल में बार होंगी यहाँ पर देखिए जो लॉन्गीट्यूडनल में बार होंगी उनकी स्पेसिंग कौन निर्धारित कर रहा है ऑपोजिट वाली डायरेक्शन ट्रांसवर्स वाली डायरेक्शन जिधर दो मीटर है भाई जो लॉन्गीट्यूडनल बार्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग कौन डिसाइड कर रहा है दो मीटर टोटल दो मीटर ही तो बंट रहा है यहाँ पे ये यह छोटे छोटे टुकड़ों में तो इसलिए लॉन्गीडनल में ढाई से जिसको डिवाइड करेंगे वो होगा दो मीटर यानी दो हज़ार एम जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है तो आठ बार आ गई यानी ये लंबी वाली जो बार हैं लॉन्गीटूडनल वाली आठ आ गई और ट्रांसवर्स वाली कि स्पेसिंग कौन डिसाइड करेगा इधर से तीन मीटर वाला तो इसको हम तीन मीटर को डिवाइड करेंगे ढाई सौ एम से तो बारह बार निकल के आ जाएंगी नंबर ऑफ बार आ गई तो अब इनका वेट निकालना आसान है एक चीज़ को समझिए केवल एक तरफ का देखिए टोटल वॉल्यूम में जो इधर लिखा हुआ है वो एक तरफ का है जो आठ बार है लॉन्गिट्यूड वाली और ये बारह बार आ गई ट्रांसवर्स वाली केवल एक को समझ लीजिए एक बार का जो क्रॉस सेक्शन है और जो उसकी खुद की लेंथ है ध्यान से देखिएगा ये एक बार का क्रॉस सेक्शन है ये निकलेगा पाई बाई फोर सिक्सटीन स्क्वायर से क्योंकि सिक्सटीन उसका डाया है और इस बार की खुद की लेंथ कितनी होगी ऐसे बिछ रखी है ना लंबी तीन मीटर तक पूरा मान के चलेंगे कॉर्नर से कॉर्नर और नहीं तो किनारों में बैंड तो हुई रहती है थोड़ी थोड़ी तो ये पूरी जो इसकी लेंथ हो गई वो तीन मीटर हो गई तो एमएम में वो तीन हज़ार एम हो गई ठीक है क्योंकि सिक्सटीन को एम mm में ले रहे हैं तो तीन लेंथ को भी एम mm में ही लेंगे और आठ का गुणा इसलिए क्योंकि आठ बिछी हुई हैं इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः करके ठीक है तो ये जो पहला वाला है इससे निकलेंगी लॉन्गिट्यूडनल वाली इस तरह से आठ बिछी हुई हैं हर एक तीन मीटर लंबी है और डाया है सिक्सटीन एम mm, और ठीक इसी तरह से ये बारह वाला हो जाएगा क्योंकि वो बारह हैं ट्रांसवर्स वाली दोनों को जोड़ देंगे आन जो वॉल्यूम आएगा वो एम एम क्यूब में आएगा पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में फिर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा लगभग पिछहत्तर किलो थिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज़ नोन एज तो थिक एंड पार्ट यानी कि वो पार्ट जो उसका थोड़ा फैला हुआ है थिक एंड का सेंस होता है या तो कोई चीज़ मोटी हो या कोई फैली हुई हो तो यहाँ पर ड्रॉप पैनल की ही बात हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है जिस जो मतलब कॉलम पे है फ्लैट स्लैब का वो भाग फ्लैट स्लैब का वो पार्ट वो हिस्सा जो कॉलम के ऊपर सपोर्ट कर रहा है वो है ड्रॉप पैनल या ड्रॉप इफ़ द डायमीटर ऑफ द मेन रिनफोर्समेंट इन अ स्लैब इज सिक्सटीन एम एम द कंक्रीट कवर टू मेन बार्स इज़ तो मैं जैसा मैंने बताया था जो जनरली हम कवर लेते हैं वो लेते हैं बीस एम एम पर पंद्रह एम एम भी अलाउ कर लेते हैं जब बार का डाया बारह से कम हो अगर बार का खुद का डाया सोलह एम एम है तो तब हम वही लेंगे सिक्सटीन हो जाएगा आंसर मतलब वही प्रोविजन है या तो फिफ्टीन एम mm हो या फिर डाया बार हो एन लार्ज हेड ऑफ ए सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज कोई कॉलम है उसका जो हेड है वो एन लार्ज हो रखा है थोड़ा सा फैल रखा है तो वो होता है कॉलम हेड अब देखिए जो पिक्चर अभी तक दिखाई थी आपको उसमें स्लैब तो थी ऊपर और ड्रॉप भी था और नीचे कॉलम था पर ये वाला पार्ट नहीं था उसमें तो ये चीज़ें हम कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं ये भी और ये ड्रॉप भी ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ड्रॉप देना ही देना है तो ड्रॉप हो गया और ये कॉलम हेड हो गया ये दोनों चीज़ें दी भी जा सकती हैं नहीं भी दी जा सकती हैं उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं तो इसको इसका जो नाम है वो कॉलम हेड है जनरली तो इसी को यहाँ पर कैपिटल लिखा गया है क्वेश्चन में तो ये कैपिटल है जिसकी बात हो रही है जो कॉलम का एन हेड है द मैगजिम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पानिंग इन टू डायरेक्शन अभी आपको बताया था इस्पान टू डेप्थ रेशियो जो है टू वे डायरेक्ट टू डायरेक्शन का मतलब है टू वे स्लैब है और सिंपली सपोर्टेड है अभी देखा था ना हमने पैंतीस और चालीस पैंतीस सिंपली सपोर्टेड का चालीस कंटिन्यूस का लेकिन टू वे स्लैब की बात हो रही थी तो पैंतीस हो जाएगा इसका ठीक है और ये रही वो टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था कि सिंपली सपोर्टेड है और टू डायरेक्शन में है तो पैंतीस है और कंटिन्यूस है टू डायरेक्शन में तो चालीस है तो ये तो मैंने आपको कोड में ही दिखा दिया था लेकिन अगर ये वन वे स्लैब हो सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस में तब ये तीस और पैंतीस होंगी यानी जो इनका खुद का डेटा है उससे पाँच पाँच कम कर लीजिए ठीक है तो इन पर भी सवाल आते हैं और रही बात कैंटिलीवर स्लैब की तो उसका बारह होता है इस पर भी सवाल पूछा गया है द इफेक्टिव विथ ऑफ ए कैलम कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब दैट इज़ टेकन इन टू कंसिड्रेशन कॉलम विर्थ की कॉलम स्ट्रिप की विरथ की बात हो रही है और ऑप्शन में जो है वो पैनल लिखे हुए हैं कि जो पैनल है उसकी विर्थ का वन फोर्थ होगा आधा होगा उसका रेडियस डायमीटर क्या होगा तो ज़रा सा इसको समझ लीजिए देखिए ये वाली पिक्चर है इसको आप प्लान की तरह देखिए हम कि ऊपर से देख रहे हैं किसी फ्लैट स्लैब को और हम उसका क्रॉस एक्सन देख पा रहे हैं तो ये वो कॉलम है जो नीचे कॉलम थे और इसी में आप ड्रॉप भी मान लीजिए तो जो ड्रॉप पैनल होता है या जिसको पैनल बोलते हैं वो होता है एक्चुअली ये वाला पार्ट ये वाला ठीक है इसको फिर से देख लीजिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ इसे कहते हैं पैनल जो चार अगल बगल के कॉलम होते हैं उनको मिला के जो बनता है वो पैनल होता है तो इसके साइज़ से हम मिडिल स्ट्रिप की भी चौड़ाई निकाल सकते हैं और कॉलम स्ट्रिप की भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे उल्टा देखिए कॉलम स्ट्रिप है पाँच मीटर मिडिल स्ट्रिप है पाँच मीटर तो जाहिर सी बात है जो ये पैनल है ये दस बाई दस का है इधर से भी देख लीजिए ऐसा देखिए ढाई मीटर ही आ गया ढाई मीटर ही आ गया और पाँच मीटर बीच में हो गया यही कहानी यहाँ से भी है पाँच बीच में ढाई ढाई यहाँ से तो ये पैनल जो है ये दस बाई दस मीटर का है हाइट जो डेटा है वो एम में लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप आपस में बराबर होती हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो ड्रॉप पैनल के साइज की आधी होती है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पैनल के का आधा होगा कॉलम स्ट्रिप इसी क्वेश्चन में यहाँ पे मिडिल स्ट्रिप भी दे दे तब भी यही ऑप्शन सही होगा ठीक है रेडियस और डाया का कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे इफ द साइज ऑफ पैनल इन स्लैब इज्स सिक्स बाय सिक्स मीटर देन एज पर आई एस कोड दिथ्स ऑफ कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप आर तो जैसा अभी आपको समझाया कि अगर पैनल छः बाय छः का है तो मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप दोनों आधी आधी हो जाएंगी तीन बाई तीन की ठीक है जैसे ये दस बाय दस का था तो इसको छः का मान लीजिए ये छः बाय छः का है तो तीन मीटर की मिडिल स्ट्रिप हो गई और ये ढाई इधर से है लेकिन ये ढाई इधर भी है ऐसा नहीं कि ये एक ही पैनल है इसमें और भी तो पैनल होंगे ऐसे इस तरह से ठीक है तो ये वाला कॉलम स्ट्रिप ये भी तीन मीटर का हो गया ये वाला भी तीन मीटर का हो गया जो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ स्लैब इज प्रिवेंटेड बाई प्रोवाइडिंग डैश रेनफोर्समेंट तो देखिए इसका सही आंसर है टॉर्जन यानी जो स्लैब किनारों से उठ जाती हैं कभी कभी इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम तो किनारों पे टॉर्जन रेनफोर्समेंट दी जाती है आई कोड जो है 456 2000 वाला इसमें पीछे एनएक्स दिए हुए हैं ए बी सी डी करके एच तक तो इनमें जो डी वाला है और उसमें जो डी वन है तो उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है तो उसका जो सार है वो यही है कि जो स्लैब है स्लैब को कॉर्नर से उठने से बचाने के लिए टू प्रिवेंट द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब उसके लिए टॉर्जन री प्रोवाइड की जानी चाहिए ए रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिब्ड स्लैब क्या होती है रिब्ड का मतलब होता है धारीदार। रिब यानी धारियाँ धारियाँ जो होती हैं इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है साउंड को ब्लॉक करना और टेम्परेचर को मेनटेन करके रखना जैसे कैविटी वॉल में होता है कैविटी वॉल में भी जो टेम्परेचर है वो मेन्टेन होता है ऐसा नहीं है कि गर्मियों में गर्मी नहीं आने देगा सर्दियों में भी सर्दी नहीं आने देगा दोनों उसमें इफ़ेक्टिव होता है वो ठीक है उसी तरह से ये भी होता है तो गर्मी सर्दी वाला हिसाब किताब तो ये हो गया थर्मल इंसुलेशन और जो साउंड वाला है वो ये वाला हो गया ऑकस्टिक ठीक है इंसुलेशन तो ये साउंड प्रूफ की ही बात हो रही है यहाँ पे बाकी प्लेन सीलिंग के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं हम कभी कभी ऑप्शन तो सारे ठीक हैं और ये रही रिब्ड स्लैब जो इसका एग्जाम्पल है ये रिब्स बनी हुई हैं इसमें ये सारी रिब्स हैं ऐसे में भी हैं ऐसे में भी हैं ठीक और जो ऊपर दिख रहा है वो छत उसका मेन छत वही है पर ये जो रिब है ये मदद करती हैं टेम्परेचर को भी मैंटेन करती हैं और ऑकेस्टिक भी होती हैं द मैक्सिमम परमिसेबल साइज़ ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज इन कास्टिंग द रिब्स ऑफ ए स्लैब इज तो एक तो हो गई छत जिसको हम टॉपिंग भी बोलते हैं और एक हो गई रिब्स जिनको हम ज्वाइस्ट भी बोलते हैं तो ये रिप्स की बात कर रहा है कि रिप्स जब बना रहे हो उस टाइम कितने का एग्रीगेट यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम तो कुछ नहीं है याद करने वाली बात है टेन एम एम का मैक्मम एग्रीगेट यूज़ कर सकते हो द अमाउंट ऑफ रिनफोर्समेंट फॉर मेन बार्स इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन अब देखिए जो मेन बार्स का जो हम एरिया निकालते हैं अमाउंट का मतलब एरिया से ही होगा जनरली तो एरिया जो निकालते हैं उसमें बैंडिंग मूवमेंट का रोल होता है फॉर्मूले जो बने हुए हैं उनमें बैंडिंग मूवमेंट आता है तो सवाल उठता है मिनिमम या मैक्सिमम तो हम लेंगे मैक्सिमम भाई बैंडिंग मूवमेंट एक नेगेटिव टर्म है जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो उसका हम बड़े से बड़ा हिस्सा लेंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो सके और जो पॉजिटिव टर्म होती हैं उनमें हम मिनिमम वाले पार्ट की तरफ जाते हैं वही एक अप्रोच ली जाती है स्ट्रक्चर को सेफ़ बनाने के लिए द मैगजिम रेशियो ऑफ स्पान टू डेफ्थ ऑफ अ कैंटिलिवर स्लैब इज अब जैसे मैंने टेबल बताई थी आपको कैंटिलिवर स्लैब में कितना था इस्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो मैगजिमम बारह था ठीक है यहाँ देख लीजिए लास्ट में इफ द लेंथ ऑफ एंड इंटरमीडिएट स्पान ऑफ अ कंटिन्यूस स्लैब इज फाइव मीटर द लेंथ ऑफ एंड स्पान इज कैप्ट अब इंटरमीडिएट देखिए कंटिन्यूस लैब में क्या होता है सीधा यहीं चलते हैं जो मैंने लगा ही रखा है कंटिन्यूस लैब में क्या होता है जो बीच वाले पार्ट हैं वो तो लगभग एक जैसे रखे जाते हैं पर जो किनारे वाला है वो थोड़ा छोटा रखा जाता है किनारे वालों में बैंडिंग मोमेंट थोड़ा कम आता है किनारों पर तो इन्होंने क्या कर दिया तो ये क्या कहा जाता है कि जो बीच में इंटरमीडिएट स्पान है उसका नाइन्टी परसेंट लिया जाएगा किनारों पे दोनों किनारों पे दोनों साइड इधर तो ये कट रखा है लेकिन इधर भी इसका एक किनारा होगा तो बीच में जैसे अगर पाँच मीटर है तो किनारा कितना होना चाहिए नाइन्टी परसेंट फोर पॉइंट फाइव मीटर जो ये वाला डेटा है ये मत देखिए ये तो इस फोटो में ही था ये भी डेटा सही है कि फोर पॉइंट फाइव बीच में है तो किनारा फोर पॉइंट टू हो गया लगभग नाइन्टी परसेंट तो हमारे क्वेश्चन में फाइव मीटर है तो उसका नाइन्टी परसेंट क्या हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव मीटर ऐसा कम ज़्यादा क्यों रखा जाता है ताकि बैंडिंग मोमेंट इक्वल मिल सके दोनों तरफ सारे इस में द थिकनेस ऑफ द टॉपिंग ऑफ अ रिब्ड स्लैब वेरी बिटवीन रिब्ड स्लैब की जो टॉपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं पाँच सेंटीमीटर से दस सेंटीमीटर रखी जाती है ठीक है तो यहाँ पे उसके हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा टॉपिंग से मतलब है ये ऊपर वाला पार्ट है जो और उसके नीचे आती हैं रिब्स ये धारियाँ ये पूरी धारी है इधर ये पूरी जो पीछे जा रही है ऐसे इधर भी आ रही हैं ये सारी ठीक है तो ये साउंड को भी ब्लॉक करती हैं और टेम्परेचर को भी द डायाटर ऑफ द कॉलम हैड सपोर्ट ए फ्लैट स्लैब इज़ जनरली कैप्ड अब इसको समझिए देखिए कॉलम हैड का डाया पूछ रहा है यानी उसका साइज पूछ रहा है वो अगर सर्क्युलर है तो डाया पूछ रहा है और अगर स्क्वायर है तो उसका साइज पूछ रहा है और किसके कॉन्टेक्स में पूछ रहा है इस पान लेंथ के या कॉलम के खुद के डाया के इस तरह से ठीक है तो देखिए ये जो आपको फ्लैट स्लैब दिखाई थी ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल है तो जो कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप है वो आपस में बराबर होती हैं और जो पैनल है वो कॉलम स्ट्रिप के बीच से शुरू होता है अगली के बीच में जाता है तो ये उसका डबल हो जाता है और जो कॉलम हेड है अगर दिया जा रहा है तो तो कॉलम हेड जो है वो कॉलम स्ट्रिप का ठीक आधा लिया जाता है तो अगर कॉलम स्ट्रिप के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो तब तो आधा लेंगे बाई सर्कुलर है तो तीन डेढ़ मीटर का गोला बना दो साइज का लेना है तो डेढ़ डेढ़ मीटर का स्क्वायर बना दो बात एक ही है पल्लिया आधा जाएगा कॉलम स्ट्रिप का तो कॉलम स्ट्रिप का आधा है तो पैनल का कितना हो रहा है पैनल का एक चौथाई हो रहा है छह मीटर का तो एक चौथाई हो रहा है ये डेढ़ मीटर तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स्पान लेंथ का कितना होगा तो भैया स्पान लेंथ का होगा जीरो पॉइंट टू फाइव टाइम्स यानी एक चौथाई यहीं पे कॉलम स्ट्रिप या मिडिल स्ट्रिप के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तब आधा होगा द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ बार यूज्ड इन अ रिब्ड स्लैब इज तो ये 22 एम एम इसका आंसर है कि मैक्सिमम इतनी डाया इतनी डाया की बार यूज कर सकते हैं इस सर्कुलर स्लैब सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग डिफ्लेक्ट्स टू फॉर्म सर्कुलर स्लैब है ये डिफ्लेक्ट करेगी तो जाएगी तो नीचे ही तो ये कैसे सेब बनाएगी तो ये बनाती है पैराबोलाइड सेब पैराबोलाइड सेब का मतलब है कि उसका एक एक हिस्सा पैराबोला से बना है चाहे आप ऐसे में देखिए चाहे ऐसे में देखिए अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं ये ऐसी धसी हुई है इधर की तरफ जिस तरफ से हम देख रहे हैं इसको ऐसे इस तरफ से ठीक है तो ये इसमें हर एक पार्ट इसका पैराबोला है तो बहुत सारे पैराबोला मिलके एक पैराबोलाइड बनाते हैं थ्री डी सेप में इन ए स्लैब द पिच ऑफ द मेन री इन्फोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ तो ये बड़ा मस्त कोडल प्रोविजन है सबको आता होगा कि अगर मेन बार्स हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग स्पेसिंग कहिए या पिच कहिए मैक्सिमम या तो थ्री डी हो या फिर तीन सौ एम इन दोनों में जो कम होगा अगर थ्री डी तीन सौ तीस आ रहा है सॉल्व करके तो तब तीन सौ लेंगे और थ्री डी अगर दो सौ अस्सी आ रहा है तो तब दो सौ अस्सी ही लेंगे इन दोनों में जो कम होगा स्पेसिंग कम से कम रखने की कोशिश रखी जाती है ताकि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बने यही वाला डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाता है फाइव और थ्री हंड्रेड एम तो ये दो तो हम पढ़ते हैं जनरली एक और सुन लीजिए ट्रांसवर्स रिनफोर्समेंट या टेम्परेचर रीनफोर्समेंट की बात होगी तब स्पेसिंग जो है वो मैक्सिमम 5D डी और 450 फिफ्टी mm रखी जाएगी इन दोनों में जो कम होगा तो यहाँ पे पूछ रहा है मेन रोर्समेंट की मेन रिनफोर्समेंट में या तो होगा 3D डी तो ये थ्री टाइम्स इट्स इफेक्टिव डेफ्थ हो गया या फिर 300 सौ mm, जैसा कि अभी दिखाया था आपको द इफेक्टिव स्पान ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज तो इफ़ेक्टिव इस्पान क्या होता है इसका अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था किसी और वीडियो में इसका ये कोड में लिखा हुआ है ये मैंने आपको बीम में बताया था सिंगली रिंग बीम में पर देखिए बीम और स्लैब का जो प्रोविज़न है वो सेम है स्पेसिंग के लिए तो द इफेक्टिव स्पान ऑफ अ मेम्बर दैट इज़ नॉट बिल्ट इंटीग्रली विद इट्स सपोर्ट्स सेल बी टेकन एज क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेस्ट ऑफ स्लैब ये हो गई एक चीज और बीम उसी में आ गया और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स ठीक है यानी इन दोनों में से जो कम होगा वो लेंगे कौन दोनों में से एक तो हो गया क्लियर इस्पान वैसे आप समझ गए होंगे पर फिर भी बता देता हूँ ये अभी स्लैब की बात हो रही है अभी बीम की नहीं हो रही तो एक तो हो गया क्लियर इस्पान ये बीच वाला पार्ट और इसमें इफेक्टिव डेफ्थ जोड़ दो उसकी स्लैब की भीम है तो बीम की जोड़ दो और स्लैब है तो स्लैब की जोड़ दो इफेक्टिव डेफ्थ स्मॉल डी तो ये एल प्लस डी हो गया एल ये वाला हो गया डी इफेक्टिव डेफ्थ हो गई दूसरा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो ये सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस देख लो तो जो मैंने ये लिखा हुआ है क्लियर इस्पान प्लस सपोर्ट का आधा प्लस सपोर्ट का आधा तो वही है सपोर्ट ही पूरा हो गया इसका आधा ले लो सपोर्ट पूरा हो गया इसका आधा ले लो क्लियर इस्पान के साथ जोड़ लो इन दोनों में जो कम होता है वो लिया जाता है ठीक है तो अब आप ऑप्शन में नज़र घुमाएंगे तो जो ऑप्शन सी है उसमें क्लियर इस्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ इस वाले की बात कर रखी केवल जो पहला पॉइंट था ना हमारा वहाँ पे एल प्लस डी वाला ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे और जो दूसरा था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाला वो यहाँ पे लिख ही नहीं रखा ठीक है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा तो ये था आपका पहला पार्ट अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखें वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच